गाइस फाइनली हम लोग अभी है रिकोंगपियो की रोड में और हमारे यहाँ पर पीछे की पहाड़ों में बर्फ स्टार्ट हो चुकी है। नीचे की तरफ तो ज़्यादा बर्फ नहीं थी लेकिन यहाँ पर अब बर्फबारी स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर रिकोंगपियो और वहाँ से ऊपर कल्पा की तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे आज के दिन, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और ये देखो आप यहाँ के नज़ारे, और अब हम चल पड़े हैं आगे रिकोंगपियो की तरफ। यहाँ से आगे की तरफ है रिकोंगपियो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपू नेगी के नए व्लॉग में। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये 22 का फर्स्ट व्लॉग है और स्नोफॉल का भी फर्स्ट ही व्लॉग है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रिकोंगपियो, तो चलिए करते हैं आज रिकोंगपियो को अच्छे से एक्सप्लोर। और आज के दिन मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ रिकोंगपियो की मार्केट दिखाने, तो चलिए दोस्तों। ये यहाँ पर अपनी हिमाचल की बस है जो कि वर्ल्ड फेमस बस है। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है रिकोंगपियो का मेन चौक, और इसका आप लोग एक बार व्यू देख लो ना, काफ़ी अल्टीमेट नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से आप लोगों को लोकल रूट की बसें और शिमला चंडीगढ़ दिल्ली तक की बसें आराम से मिल जाती है। तो चलिए आगे दिखाते हैं और नज़ारे। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ और दिखाता हूँ आप लोगों को मार्केट के भी काफ़ी सारे नज़ारे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से ऊपर अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर ले चलता हूँ सबसे पहले आपको। ये जो मार्केट में मैं ले जा रहा हूँ दोस्तों आपको, ये मार्केट यहाँ की मेन मार्केट है। यहाँ पर आप लोगों को सारा सामान मिल जाएगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। ये देख लो यहाँ के नज़ारे, काफ़ी अल्टीमेट लोकेशन है। और ये यहाँ पर अपनी जिप्सी देखो फुल परफॉर्मेंस में है चेन लगाकर। यहाँ पर बर्फ़ देखो दोस्तों कितनी बर्फ़ है, ये अभी एक टाइम की बर्फ़ नहीं है, ये पहले भी काफ़ी टाइम आई है और इतना सारा बर्फ़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। ये देखो बर्फ़ में चलाने के लिए चेन लगाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ, अगर आप लोग यहाँ से बस स्टैंड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आप लोग के लिए शॉर्टकट रास्ता रहेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ आप लोग जा सकते हैं और जो सीधा रास्ता जाएगा वो जाएगा डायरेक्ट बस स्टैंड के लिए, और वहाँ से तो आप लोग कहीं के लिए भी जा सकते हैं। बस एवरी टाइम आप लोग के लिए वहाँ पर अवेलेबल रहती है। और बाकी यहाँ पर बर्फ़ देखो कितना है, ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरा ऊपर तक। ये देखो दोस्तों रास्ता अभी यहाँ का, ये बर्फ रात को आई है दोस्तों, इतनी बर्फ। दोस्तों
मैंने आप लोग को मेन मार्केट में तो घुमा ही दिया है, अब मैं ले चलता हूँ आपको तिब्बतियन मार्केट की तरफ। वो मार्केट मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ही लजीज चाउमीन मिलता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि उसको खा पाए, देखते हैं बाद में रिटर्न होते टाइम खाएंगे। दोस्तों अब प्लान बन रहा है हमारा कल्पा की तरफ जाने का, क्योंकि यहाँ पर तो हमने एक्सप्लोर कर ही लिया है, तो ज़्यादा देर अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए चलते हैं डायरेक्ट ऊपर कल्पा की तरफ और दिखाते हैं आपको कल्पा के नज़ारे। किन्नौर क्वीन, रिकॉन्टियो, सुपर, तो गाइज जैसे ही आप लोग रिकॉन्टियो के स्टार्टिंग में एंटर हो जाओगे उसके बिल्कुल सामने की तरफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रामलीला ग्राउंड। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बन रहा है पार्किंग, तो रामलीला ग्राउंड अब रामलीला ग्राउंड नहीं रहा, तो बाकी आप लोग व्यू देख लो इसके अच्छे तरीके से। तो ऐसा कुछ नज़ारा है रामलीला ग्राउंड का, अब यहाँ पर कुछ पार्किंग एरिया बन रहा है और ये जो आपको दिख रहा है इस पर फ्लैग होता था लेकिन आजकल निकाल दिया है। और ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पूरा रिकॉन्टियो है, तो इसको आप लोग आइए और एक्सप्लोर ज़रूर करिए इस लोकेशन को। अभी के टाइम पे अगर आप लोग गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, ये पेड़ पार्किंग है यहाँ रिकॉन्टियो का, तो इस लोकेशन को देख लो। ये आप लोगों को रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल सामने की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा।